स्टूडेंट्स, आज हम टू इंडिया माय नेटिव लैंड पोयम का अध्ययन करेंगे। यह पोयम क्लास 11 यूपी बोर्ड की पोएट्री से लिया गया है या पोएट्री में है और चैप्टर 4 है। इसके राइटर हैं हेनरी लुइस लेरोजियो। पोएट ने यह पोयम तब लिखी थी जब हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और पोएट इस कविता में अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त किया है। पोएट हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को याद करता है, सोचता है कि एक समय था जब हमारा देश बहुत ही गौरवशाली हुआ करता था और अब हमारा देश धूल में मिल चुका है। तो आइए देखते हैं पोयम की पंक्तियों में क्या कुछ छुपा है, क्या कुछ कहा गया है, कवि ने अपने उद्गारों को कैसे व्यक्त किया है। माय कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट ए ब्यूटियस हेलो सर्किल राउंड दाई ब्रो। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि पोयम में शब्दार्थ नहीं देखा जाता, भावार्थ होता है। फिर भी मैं शब्दों का अर्थ बता दे रहा हूँ और फिर भावार्थ बताऊंगा। हेलो का अर्थ है प्रभा मंडल। आप देखे होंगे देवी देवताओं के फोटो में उनके चेहरे के चारों तरफ एक प्रकाश पुंज जैसा दिखता है, उसको हेलो कहते हैं। दाई का अर्थ है तुम्हारा, अब्रो का अर्थ है भाव या माथा। तो पहली दो पंक्तियों में माय कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट ए ब्यूटियस हेलो सर्किल राउंड दाई ब्रो। मेरे देश, तुम्हारे गौरवशाली इतिहास में द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट का भाव है, तुम्हारे गौरवशाली इतिहास में ए ब्यूटियस हेलो सर्किल राउंड दाई ब्रो, एक सुंदर आभा मंडल तुम्हारे चेहरे के चारों तरफ हुआ करती थी। ए वर्शिप्ड ऐसे डाइटी वास्ट। वर्शिप्ड का अर्थ तो पूजा करना होता है, डाइटी का अर्थ है देवी देवता, वास्ट का अर्थ है वाज या वेयर से है। तो तुम्हारी देवी देवताओं की तरह पूजा की जाती थी। मेरे देश, उस समय तुम्हारी पूजा की जाती थी ठीक वैसे ही जैसे कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वेयर इज दैट ग्लोरी, वेयर दैट रिवरेंस नाउ। वह सम्मान, वह शाही अंदाज अब कहाँ है। ग्लोरी का अर्थ होता है शाही और रिवरेंस का अर्थ है सम्मान। तो वह शाही जो शाहियाना अंदाज या शाहियाना स्तर था तुम्हारा दुनिया के दुनिया में, या जो तुम्हारा सम्मान था, वह अब कहाँ है। द ईगल पिनियन इज चेंड डाउन एट लास्ट एंड ग्रोवलिंग इन द लवली लोली डस्ट आर्ट दो। ईगल का अर्थ होता है चील, चील एक पक्षी है। पिनियन का अर्थ है उसके डैने। दाई मतलब यहाँ तुम्हारे से है। दाई ईगल पिनियन इज चेंड डाउन एट लास्ट। यहाँ पे देश को, हिंदुस्तान को कभी
एक चील पक्षी कह रहा है, एक ऐसा चील पक्षी जिसके डैनों को बांध दिया गया है। चील पक्षी के डैने बहुत मजबूत हुआ करते हैं होते हैं और यह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। तो कवि अपने देश के इतिहास को देखते हुए, जब देश विकास की ऊंचाइयों पर था, सबसे ऊपर था, इसलिए इसने देश को ईगल पिनियन कहा कि चील के डैनों को बांध देने से मतलब है कि देश के जो विकास हो रहा था उस समय, या विकास की जिन ऊंचाइयों पर देश पहुंच चुका था, तो देश चील की डैनों को बांध देने से अर्थ है कि देश का विकास को रोका जा चुका था अंग्रेजों के द्वारा। दाई मिस्ट्रेल हैथ नो रीत टू वी फॉर दी। मिस्ट्रेल का अर्थ है गाना गाने वाले या भाट। हैथ का मतलब है रखना, रीत का अर्थ है माला पुष्प चक्र, वीव का अर्थ है बुनना, दी का अर्थ है तुम्हारे लिए। तो जो गाना गाने वाले लोग हैं उनके पास तुम्हारे लिए माला गूंथने का, उनके लिए माला गूंथने के लिए पुष्प भी नहीं है। सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी। सेव का अर्थ है सिवाय, सैड का अर्थ है दुखद, स्टोरी का अर्थ है कहानी, मिजरी का अर्थ है परेशानी। सिवाय इसके कि वे तुम्हारे दुखों की कहानी को कह सके। तो जो गाना गाने वाले भाट हुआ करते थे या आज भी हैं, पर आज के जो गाना गाने वाले हैं या भाट जो आज हैं, उनके पास ऐसे पुष्प ही नहीं हैं कि तुम्हारे लिए माला गूंथ सकें। पुष्प का अर्थ है कि तुम भाट लोग गाने में बड़ाई किया करते थे तुम्हारे, तो बड़ाई करने में जिन शब्दों का यूज किया जाता था, जिन शब्दों को पिरोया जाता था गाने में, तो अब गाना गाने वालों के पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं कि वे तुम्हारी प्रशंसा में कुछ कह सकें, तुम्हारी तारीफ कर सकें, तुम्हारा गुणगान कर सकें। सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी, सिवाय तुम्हारी दुखद कहानियों को कहने के, क्योंकि अब भाट लोग जो देख रहे हैं तुम्हारी हालत, तुम्हारी स्थिति, तो वे चाह के भी तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं। वे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परेशानियों की कहानी ही कह सकते हैं। वेल लेट मी डाइव इन टू द डेप्थ ऑफ टाइम। डाइव का अर्थ है डुबकी लगाना, डेप्थ ऑफ टाइम का अर्थ है समय की गहराइयों में या इतिहास में। वेल लेट मी डाइव इन टू द डेप्थ ऑफ टाइम, मुझे इतिहास में डुबकी लगाने दो, इतिहास में खंगोरने दो, इतिहास में खोजने दो। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेज दैट हैव रोल्ड। और उसका वह काल, एजेज का अर्थ है काल, तो उस काल से मुझे कुछ लाने दो जो बीत चुका है। मुझे इतिहास में डुबकी लगाने दो और उस काल से कुछ लाने दो जो समय या जो काल बीत चुका है। इफ यू स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दोज रेक सबलाइन। रेक का अर्थ होता है मलवा और सबलाइन का अर्थ होता है अद्भुत, अलौकिक। स्मॉल का अर्थ है छोटा, फ्रेगमेंट्स का अर्थ है टुकड़े। और क्या लाना चाहता है राइटर, पोएट? तो जो तुम्हारा मलवा बचा हुआ है इतिहास में, तुम्हारा गौरवशाली इतिहास का जो मलवा बचा हुआ है, उन मलवों में से कुछ टुकड़े लाने हैं हमको, मुझको। इतिहास में खंगालेंगे, इतिहास में खोजेंगे, तो निश्चित रूप से जो तुम्हारी गाथाएं हैं, जिसमें तुम्हारी उपलब्धियां कही सुनी गई हैं, गाई गई हैं,
तो उनमें से जो कुछ बची खुची हैं उनके कुछ टुकड़े मुझे लाने दो. विच ह्यूमन आई मे नेवर मोर बिहोल्ड. बिहोल्ड का अर्थ है देखना. तो जो टुकड़े मैं लाना चाहता हूँ तुम्हारे गौरवशाली इतिहास में से, जिसे ह्यूमन आई इंसानी आँखें कभी देख नहीं सकेंगी, क्योंकि हमारा देश या मेरे देश तुम पुनः उस ऊँचाइयों को पा सकोगे ऐसा मुझे नहीं लगता. तो मैं उन उपलब्धियों की यादों को लाना चाहता हूँ ताकि आज के लोग तुम्हारा गौरवशाली इतिहास कुछ तो जान लें. एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फ्रॉम दी. गार्डन का अर्थ होता है पारिश्रमिक या इनाम. माई लेबर बी मेरे परिश्रम का. माई फॉलन कंट्री मेरे समाप्त हो चुके देश, धूल दूषित हो चुके देश, यही मेरे परिश्रम का फल होगा, परिश्रम का पारिश्रमिक होगा. एक प्रकार की शुभकामना है तुम्हारे लिए. इसमें एक लाइन शायद मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था. एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट दो. ग्रोवलिंग का अर्थ होता है औधे मुंह रहना और लोली का अर्थ है दयनीय हालत में. इस लाइन को मैं फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ. दई ईगल्स पिनियन इज चेंज डाउन एट लास्ट एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट दो. तो जिस तरह से चील के पक्षी के डैनों को बांध दिया जाए तो उड़ नहीं सकता, उसी तरह से मेरे देश तुमको बांध दिया गया है. तुम्हारी उड़ान रुक चुकी है, थम चुकी है और तुम धूल में धूल दूषित हो चुके हो, झुक गए हो और दयनीय हो गए हो, औधे मुँह पड़े हुए हो. तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें.